दोस्तों, माँ से ही हमारा जीवन शुरू होता है। उसका प्यार और ममता इस दुनिया में सबसे अनमोल है। अपने बच्चे की हंसी के लिए वो हर गम सह सकती है। ये कहानी भी ऐसे ही एक माँ की है जो अपने बच्चे का हर एक सपना पूरा करना चाहती है। क्या है वो सपना, चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी डॉक्टर रमेश नंदिनी की है। डॉक्टर रमेश नंदिनी एक बहुत ही नामी और बड़े सर्जन हैं। आज उनका बड़ा नाम है। उनके पास वो सब कुछ है जिसे पाने का सपना वो कभी देखा करते थे। जी, मैंने डॉक्टर रमेश नंदिनी का अपॉइंटमेंट लिया था। जी हाँ, बैठिए, डॉक्टर रमेश नंदिनी जी आते ही होंगे। जी, बहुत नाम सुना है उनका, लेकिन ये नाम थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, डॉक्टर रमेश नंदिनी। जी हाँ, आप सही हो। लेकिन उनके नाम के आगे ये नंदिनी क्यों? इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वो कुछ ऐसी है। सोनू, सोनू बेटा जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। नहीं माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े अफसर कैसे बनोगे? माँ, तुम क्या काम करती हो? बेटा, मैं एक बड़े से ऑफिस में काम करती हूँ। कितना बड़ा ऑफिस माँ? बहुत बड़ा बेटा, बहुत बड़ा। क्या तुम मुझे भी ले जाओगी तुम्हारे ऑफिस में? हाँ हाँ, जरूर। जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी ले जाऊंगी। वैसे सोनू, तुम्हें क्या बनना है बड़ा होकर? मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है माँ। डॉक्टर बनकर मैं तुम्हारा इलाज करूँगा और तुम्हारे सारे दर्द को दूर करूँगा। हाँ मेरा प्यारा बेटा, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। चलो अब तैयार हो जाओ। सोनू अपने कपड़े पहन अपने हाथ में कुछ किताबें उठा लेता है और अपनी माँ के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। माँ, कब तक मैं हाथ में किताब लेकर स्कूल जाऊँगा? मुझे एक स्कूल बैग चाहिए। स्कूल बैग? तुम भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हें स्कूल बैग जरूर दिलाएंगे। तो फिर मैं पढ़ाई भी क्यों करूँ? भगवान मुझे डॉक्टर भी तो बना सकते हैं ना। सोनू नाराज होकर अपने स्कूल में चला जाता है। स्कूल में टीचर सभी बच्चों से कुछ सवाल कर रही होती है। बच्चों, बताओ तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है? मैं किसान बनूंगा अपने पापा की तरह। मैं सब्जी बेचूंगी अपनी माँ की तरह। सोनू, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है टीचर। मैं एक बड़ा डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूंगा। अरे ओ सोनू, पैर में चप्पल नहीं, हाथ में बैग नहीं, और तुम्हें बनना है डॉक्टर। चुप हो जाओ सब लोग, चुप। सोनू, बहुत ही अच्छी इच्छा है तुम्हारी। खूब पढ़ाई और मेहनत करो, तुम एक दिन जरूर डॉक्टर बनोगे। भगवान तुम्हारे इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। सोनू शाम को अपने स्कूल से बहुत दुखी होकर घर वापस आता है। माँ, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दो। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। क्या माँ, आज भी वही पकाओ खिचड़ी। ये खिचड़ी खाकर क्या मैं कभी डॉक्टर बन पाऊंगा? अरे सोनू, सब सही कहते हैं माँ। ना पैर में चप्पल है, ना हाथ में बैग, और सपने देखता हूँ डॉक्टर बनने के। सब सही कहते हैं। थोड़ा रुक जाओ सोनू, मैं जल्द ही तुम्हें एक नया बैग और जूते दिला दूंगी। रहने दो माँ, शायद तब तक मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? नहीं माँ, मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना। तुम मुझे एक चप्पल और बैग नहीं दिला सकती हो, तो तुम मुझे डॉक्टर कैसे बना पाओगी? रहने दो माँ। सोनू बहुत ही दुखी और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सोनू स्कूल नहीं जाता, उसकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती है। सोनू, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे जैसे बड़े ऑफिस में कैसे जाओगे बेटा? तुम जाओ माँ, अगर सच में तुम किसी बड़े ऑफिस में काम कर रही होती तो तुम मेरी सारी इच्छाएं जरूर पूरी करती। तुम जाओ। सोनू नाराज होकर अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। रुको बेटे, डॉक्टर रमेश, तुम नंदिनी के बेटे हो ना? हाँ जी, मैं नंदिनी का बेटा हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पता है, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ, वो हमेशा तुम्हारे बारे में कहती रहती है। क्या आप भी मेरे माँ के साथ ऑफिस में काम करती है? सोनू की बात सुन वो औरत उसे कोई जवाब नहीं देती। वो मुस्कुराकर उसके हाथ में एक आईना देती है। हाँ, ये क्या है दादी, ये आईना क्यों दिया आपने मुझे? बेटे,
ये आईना तुम्हारे सवालों का जवाब है। इसमें देखो और तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सोनू उस औरत की बात मानकर आईने में देखता है। मालकिन मालकिन, मुझे थोड़े चावल और दाल दे दो। मेरा बेटा स्कूल से आता ही होगा। बदले में मैं आपके सारे कपड़े धो दूंगी। ठीक है, तुम कब तक ऐसे ही सच्चाई छुपाओगी अपने बेटे से? पता नहीं मालकिन, जब तक वो अपनी खुद की कोई पहचान नहीं बना लेता, शायद तब तक मुझे ऐसे ही अपनी पहचान छुपानी पड़े। तुम उसे सच क्यों नहीं कह देती हो नंदिनी? नहीं मालकिन, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा बेटा खुद को कमजोर और गरीब समझे। अगर मैंने उसे ये सच बता दिया कि मैं एक नौकरानी हूँ, तो शायद वो कभी इतने बड़े सपने नहीं देखेगा और कभी मुझसे इतना प्यार भी नहीं करेगा। मैं उसे डॉक्टर बना हुआ देखना चाहती हूँ मालकिन। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगा। लेकिन तुम अगर ऐसे ही काम करती रहोगी तो? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो उसे पढ़ाऊंगी कैसे, उसे डॉक्टर बनाऊंगी कैसे? सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में अपनी माँ के लिए नफरत नहीं बल्कि इज्जत और प्यार आ जाता है। इससे पहले वो उस औरत को शुक्रिया कह पाता, उसके हाथ से वो आईना और वो औरत भी गायब हो जाते हैं। हाँ? सोनू भागता हुआ अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए नए स्कूल बैग और जूते लाए हैं। ये लो बाबा, अब तो जाओगे ना स्कूल और बनोगे ना डॉक्टर। सिर्फ डॉक्टर नहीं माँ, फिर डॉक्टर रमेश नंदिनी कहो। आपके इस कहानी से तो मेरा दिल भर आया। लो आ गए डॉक्टर रमेश नंदिनी। देखा दोस्तों, सोनू की सफलता के पीछे किसकी मेहनत और आशीर्वाद था? वो उसकी माँ ही थी जिसने उसे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी, और इसीलिए सोनू ने भी अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लेना उचित समझा। चाहे बेटा कितना भी धनवान और ज्ञानी क्यों ना हो जाए, पर माँ का ऋण कभी ना चुका पाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ त्याग और प्यार की मूर्ति है, वही हमारे जीवन की प्रेरणा और स्रोत है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? भगवान भी जिसका प्यार पाने के लिए तरसता है, आखिर वो चीज है क्या? हमारी इस कहानी में इसी सवाल का जवाब छुपा हुआ है। तो फिर देर क्यों करें, चलिए ये कहानी देखते हैं। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ से कभी भी ठीक से बात नहीं करता, हमेशा उसे डांटता और कड़वी बातें करता। गोलू की माँ का आधा चेहरा आग से जला हुआ था और उससे पड़े छालों की वजह से उसका चेहरा बड़ा ही भयानक दिखाई देता। गोलू इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहता कि उसकी माँ खूबसूरत क्यों नहीं है। एक दिन गोलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अरे बच्चों, चलो बहुत खेल लिए, चलो चलो घर जाओ। अब थोड़ी देर और खेल के हम चले जाएंगे मौसी। गोलू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती नहीं है जो तुम इतना खेलते हो? हाँ नहीं मौसी, मेरी माँ तो इधर नहीं है, मैं बस अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। अच्छा, इसीलिए तुम इतनी देर से बाहर खेल रहे हो। इतने में वहाँ पे गोलू की माँ आ जाती है। माँ को देख गोलू भाग कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे गोलू, कहाँ चले गए? हाँ, आप कौन हो? मैं गोलू की माँ हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, गोलू की माँ, उसने तो हमें बताया था कि उसकी माँ इस गांव में नहीं रहती और वो अपने पिताजी के साथ अकेला रहता है। हाँ सच्ची तो है, मैं आज ही तो शहर से गांव आई हूँ, उसे ही ढूंढ रही हूँ। अगर वो दिखे तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रही थी। ये कहकर गोलू की माँ वहाँ से चली जाती है और गोलू पेड़ के पीछे से बाहर आता है। गोलू, क्या सच में वो तुम्हारी माँ है? उनके चेहरे को क्या हुआ है? कितना डरावना है उनका चेहरा, और उन्हें देख के तुम छुपे क्यों? गोलू अपने दोस्तों के इन सवालों से परेशान हो गया। उसे अपनी माँ पर बड़ा ही गुस्सा आया और
और बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से निकल पड़ा। घर पहुँचते ही वो माँ को डांटने लगा। माँ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। गोलू, तुम्हें आने में बड़ी देर हो रही थी तो मुझे चिंता होने लगी, बस इसीलिए मैं वहाँ चली आई। कोई जरूरत नहीं है मुझे ढूंढने की। तुमने मुझे आज मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया है। वो सभी तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे से डर गए। अब वो कभी मेरे साथ नहीं खेलेंगे। ऐसे ना बोलो बेटा, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने कभी नहीं आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है रोने की और गिड़गिड़ाने की। मैं ही ये घर छोड़ के जा रहा हूँ ताकि फिर कभी मुझे तुम्हारा ये डरावना चेहरा नहीं देखना पड़े। गोलू की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर गोलू अपनी माँ को रोता छोड़ वहाँ से निकल जाता है। गोलू एक तालाब के नजदीक पहुँचता है। उसे बड़ी प्यास लगी होती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ता है। तभी उसके कानों पर किसी के रोने की आवाज पड़ती है। गोलू पास ही में देखता है और दंग रह जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे सुनहरे सिंह वाला एक हिरण रो रहा है। हाँ, कितने खूबसूरत हो तुम। काश मेरी माँ भी तुम्हारे जितनी खूबसूरत होती। पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपनी माँ के याद में रो रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? हम दोनों इस तालाब पे पानी पीने आए थे, मगर इस तालाब में रहने वाले एक मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे दबोचने ही वाला था कि मेरी माँ उस मगरमच्छ पे झपट पड़ी। अपनी जान गंवाकर माँ ने मुझे बचाया। मैं हर रात यहाँ पे आके माँ की यादों में आंसू बहाता हूँ। तुम्हारी माँ बड़ी ही खूबसूरत होगी। काश मेरी भी माँ खूबसूरत होती। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इस दुनिया की सबसे मूल्यवान, खूबसूरत और कीमती चीज एक माँ ही तो है? तुम झूठे हो। मेरी माँ खूबसूरत नहीं है, उसका चेहरा डरावना है। मैं उसे छोड़ घर से भाग आया हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। एक काम करो, तुम मेरे इस सुनहरे सिंह को अपने हाथों से पकड़ लो। इनमें जादुई शक्ति है जो तुम्हें अतीत में झांकने का मौका देगी और तुम्हें सच्चाई का पता लग जाएगा। क्या सच में? हिरण की बात मानकर गोलू उसके सिंह पर हाथ रखता है और अपने माँ के बारे में सोचने लगता है। गोलू को अपना बचपन दिखाई देता है। वो अपनी माँ के गोद में सो रहा है और उसकी माँ उसे लोरी सुना रही है। गोलू की माँ का चेहरा बड़ा ही खूबसूरत और खुश लग रहा है। अचानक घर के बाहर जोर की हवा चलने लगती है। तेज हवा के चलते एक छोटा हादसा होता है और घर में आग लग जाती है। देखते देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। जिस छत के नीचे छोटा गोलू सो रहा है वो छत भी आग के लपटों में आ जाती है। छत का जलता हुआ टुकड़ा गोलू पर गिरने लगता है। तभी अचानक माँ गोलू को बचा लेती है, मगर खुद की खूबसूरती खो देती है। मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ। सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मेरी माँ ने इतना बड़ा खतरा मोल लिया और मैंने माँ को बड़ा दुख दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब बस रोते ही रहोगे या फिर अपने माँ के पास भी जाओगे? अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? पगले, माँ का दिल तो दरिया से भी बड़ा होता है। वो तुम्हें देखते ही गले लगा लेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी खूबसूरती को समझ ना पाया। मुझे माफ कर दो माँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा लाडला गोलू। देखा दोस्तों, माँ से मूल्यवान इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। वो माँ ही है जिसका प्यार पाने के लिए भगवान भी तरसता है। गोलू को इसी बात का एहसास हुआ कि माँ की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी ममता में छिपी होती है। माँ प्यार और ममता का प्रतीक है। उसकी सेवा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। असली माँ कौन? चित्रगुप्त नगरी के सम्राट चंद्रवर्मा का दरबार भरा हुआ था। सभी मंत्री महाराज की जय जयकार कर रहे थे। महाराज चंद्रवर्मा की जय। महाराज चंद्रवर्मा की जय।
सेनापति, चलो जल्दी राज्यसभा का काम शुरू करो। जी महाराज। महाराज, 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 प्रणाम। महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। जाओ उन्हें अंदर ले आओ। सिपाही बाहर जाता है और उन दो औरतों को अंदर ले आता है। ये बच्चा मेरा है। नहीं, मेरा है, मेरा है। तुम मेरा बच्चा चुराना चाहती हो? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये बच्चा मेरा है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ और सच बताओ, ये बच्चा तुम दोनों में से किसका है? मेरा है महाराज। नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है। ये औरत झूठी है, इसने मेरे घर से मेरा बच्चा चोरी किया है। बच्चा तुमने चोरी किया है। तभी राजा अपने सबसे होशियार मंत्री से पूछता है, सुनो चतुरदास, क्या तुम बता सकते हो कि ये बच्चा किसका है? जी हाँ महाराज, मैं अभी बताता हूँ। चतुरदास, ये लकीर क्यों खींची तुमने? महाराज आप बस देखते जाओ, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सुनो तुम इस बच्चे का हाथ पकड़ो और तुम इसका पैर, और जो इस बच्चे को अपनी तरफ खींचेगा ये बच्चा उसका होगा। दोनों औरतें बच्चे को जोर जोर से अपने ओर खींचने लगी। ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। छोड़ो, छोड़ो, ये बच्चा मेरा है। बच्चा रोने लगा। तभी एक औरत बच्चे को छोड़ देती है और दूसरी औरत बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है। महाराज, मैं ही उस बच्चे की असली माँ। हाँ, ये बच्चा तुम्हारा है। क्यों चतुरदास, सही है ना? नहीं महाराज, ये बच्चा इसका नहीं है, ये बच्चा इस रोने वाली औरत का है। ये कैसे चतुरदास? महाराज, जिसे अपने बच्चे का दर्द महसूस हुआ वही उसकी असली माँ है। महाराज उस बच्चे को उसकी असली माँ के पास दे देते हैं और उस धोखेबाज औरत को कारावास में डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कोई माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उम्र भर उनकी सेवा करनी चाहिए। थी ना मजेदार कहानी।